यो व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप लोग, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस, जिस न्यूज़ का हमें काफ़ी टाइम से वेट था वो फाइनली निकल के आ चुकी है। जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने हमको बता दिया है कि जो हिडन लॉ के अब बाकी के एपिसोड्स हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे और कैसे देखने को मिलेंगे। तो गाइस, जो इसका हमें मतलब लिटरली 3-4 महीने से वेट था कि जो हिडन लव के बाकी एपिसोड है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि YQ वालों ने तो बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए, उनके बस की कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस, जो इसके परमानेंट ओनर थे, मतलब जिनके पास राइट्स है इसका, जैसा कि आप जानते हो गाइस, जो हमारा नेटफ्लिक्स है उसके पास राइट्स है हिडन लव के, और वो ही इसका हिंदी डब लाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, YQ के एक सोर्स से पता चला है कि जो उन्होंने उनके राइट्स हैं वो है नेटफ्लिक्स के पास, और नेटफ्लिक्स इसको हिंदी डब में लाने का पूरा ट्राई कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये कितना ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा है और इसका हिंदी डब कितना ज़्यादा उनको सक्सेस बना सकता है। तो गाइस, इसके ऊपर जो नेटफ्लिक्स वालों ने, उसमें अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट गाइस जो हमारे सोर्सेज पता चला है, जो जो कि कुछ ही टाइम में हमें एक अनाउंसमेंट देखने वाली है कि जो हमारा YQ वाले हैं वो ही एक अनाउंसमेंट करने वाले कि जो राइट्स हैं हिडन लव के वो हमें नेटफ्लिक्स में देखने को मिलेंगे। क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों ने जो इसको हिडन लव के जो इंग्लिश एपिसोड्स है वो तो ऑलरेडी डाल दिए हैं नेटफ्लिक्स पर, और उसके बाद जो हिंदी डबिंग की इसके रिलेटेड जो मतलब कि फ्लो निकल के आया, मतलब इतना ज़्यादा ऑडियंस आ गई है हिंदी डबिंग को देखने के लिए, उसके रिलेटेड जो नेटफ्लिक्स वाले हैं वो हमें ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जल्दी ही हमें कोई ना कोई न्यूज़ निकलने वाली है, क्योंकि अभी तक इन्होंने अनऑफिशियल तो बता दिया है, बट ऑफिशियली कोई हमें किसी भी सोर्स से पता नहीं चल पाया, जैसे कि ना YQ वाले कंफर्म कर रहे हैं ना नेटफ्लिक्स वाले कंफर्म कर रहे हैं। बट गाइस, अनऑफिशियल सोर्स ये कहता है कि जो हमारा YQ वाले हैं वो एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के, जो उन्होंने राइट शेयर कर रहे हैं हिडन लव के। तो गाइस, ये जो शेयरिंग हुई है नेटफ्लिक्स को, क्योंकि नेटफ्लिक्स वन ऑफ द नो टॉप OTT प्लेटफॉर्म है इंडिया का, या फिर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कह सकते हो, तो उसमें अगर हिडन लव को लाया जाएगा तो कितना ज़्यादा पॉपुलर होगा उसके ऊपर काफ़ी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो गाइस, जैसे कि जो हमारा सोर्स है उससे पता चला है कि जो न्यूज़ है वो हमें मे बी इस ईयर के एंड तक देखने को मिल सकती है। तो गाइस, आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो इस न्यूज़ के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और गाइस, ये जो न्यूज़ है ये हमें कब कितनी जल्दी देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, गुड बाय, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऐसी अपडेट पाने के लिए आपको चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो गाइस। ओके बाय।